शिमला के दयानंद पब्लिक स्कूल पर अभिभावकों द्वारा मनमानी फीस वसूलने का आरोप लगाया गया है। अभिभावकों का कहना है कि स्कूल प्रशासन से जब पेरेंट्स बात करने जाते हैं तो बात भी नहीं सुनी जाती और गेट बंद कर दिया जाता है, जिसके कारण उन्हें शिक्षा निदेशालय का रुख करना पड़ा। छात्र अभिभावक मंच ने दयानंद पब्लिक स्कूल द्वारा वसूली जा रही मनमानी फीस को लेकर शिक्षा निदेशालय का घेराव किया। छात्र अभिभावक मंच के संयोजक विजेंद्र मेहरा ने कहा कि शिमला शहर के अंदर ऐसे बहुत से स्कूल हैं जिन्हें सरकार का संरक्षण मिला हुआ है और उन पर कोई भी कार्रवाई नहीं की जाती है। दयानंद पब्लिक स्कूल की बात करें तो वहाँ डीपीएस प्रबंधन ने केजी की फीस 1900 से बढ़ाकर 2850 रुपए कर दी है, जबकि ट्यूशन फीस 2000 से बढ़ाकर 3000 की है। छठी से आठवीं कक्षा की फीस 2100 से बढ़ाकर 3250 की है। नवीं दसवीं की फीस 2250 रुपए से बढ़ाकर 3500 रुपए की है। सीधी 55% फीस बढ़ोतरी की गई है, जो 5 दिसंबर 2019 के शिक्षा निदेशालय की अधिसूचना के विपरीत है। इससे सरकार और निजी स्कूलों की मिलीभगत सीधी नजर आ रही है। मेहरा ने कहा कि यदि स्कूल पर कार्रवाई नहीं की जाती है तो छात्र अभिभावक मंच मुख्यमंत्री से मिलेगा और इस पर कार्रवाई की मांग की जाएगी। लेकिन 2020 में भी सभी स्कूलों ने और दयानंद स्कूल ने भी फीस बढ़ोतरी की। 2021 में एकदम से 50 से 60% फीस बढ़ोतरी कर दी है। अधिसूचना कहती है 5 दिसंबर 2019 की फीस बढ़ोतरी जनरल हाउस के बगैर हो नहीं सकती है। स्कूल चले नहीं, बच्चे स्कूल गए नहीं, अभिभावकों का जनरल हाउस हुआ नहीं, और ऐसे समय में अपनी मनमर्जी से दयानंद स्कूल ने 50 से 60% की फीस वृद्धि की, जिसका मतलब ये है कि ट्यूशन फीस में एक साल की 12 से 15 हज़ार रुपये की वृद्धि हुई है। नर्सरी के जी का बच्चा जिसकी फीस एक महीने की 1950 रुपया थी, उसको 2850 रुपया कर दिया। पहली से पांचवी का बच्चा जिसकी फीस जो है 2050 थी, उसको 3050 कर दिया। छठी से जो दसवीं का बच्चा है उसकी फीस को जो है 2200 से 3200 कर दिया, और नाइन टेंथ की फीस को जो है वो 2250 से 3500 कर दिया। कुल मिलाकर जो है 12000 रुपये से लेकर जो है 15000 रुपये की फीस बढ़ोतरी जो है वो एक वर्ष में ट्यूशन फीस में की है, जबकि सरकार की अधिसूचना स्वयं कह रही है आज से 1.5 वर्ष पूर्व की अधिसूचना ऐसी फीस वृद्धि नहीं हो सकती है। हमारा कहना यह है कि जो सरकार ने अधिसूचना जारी की है, शिक्षा विभाग ने अधिसूचना जारी की है, अगर 200 मीटर के दायरे में दयानंद पब्लिक स्कूल जैसा स्कूल उस अधिसूचना को नहीं मान रहा, उस ऑर्डर को नहीं मान रहा है, तो अपने आप में ये बात स्पष्ट हो रही है कि कहीं ना कहीं गड़बड़ी ज़रूर है। गड़बड़ी ये है कि अभिभावकों के दबाव में प्रदर्शन जब होते हैं, आंदोलन जब होते हैं, उसके दबाव में अधिसूचनाएं जरूर निकलती हैं, लेकिन जब उसको लागू करने की बारी आती है तो शिक्षा विभाग अधिसूचना को, अपनी ही अधिसूचना को लागू नहीं करता, जिसके कारण एक खुली मनमानी जो है प्राइवेट स्कूलों को मिल रही है, इस तरीके की लूट जारी है। इसलिए आज हम ये इस प्रदर्शन के माध्यम से और इसके बाद जो हम डेपुटेशन मिलेगा शिक्षा निदेशक से, उसके माध्यम से हम यही मांग कर रहे हैं कि इस वर्ष जो फीस बढ़ोतरी की है 50 से 60% सीधा उसको वापस लिया जाए। ये किसी भी रूप में ना कानूनी रूप से जायज़ है, ना मानवता के नियमों के अनुसार जायज़ है, क्योंकि आज कोरोना काल चल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।